वेलकम बच्चों हमारे अगले सेशन में। यहाँ पर हम ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे और अभी उसके आगे के प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। तो देखो क्या दिया क्वेश्चन में, द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स जी बाई नाइन। द हाइट एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स जी बाई नाइन। ओके, अब मुझे पूछा है इन टर्म्स ऑफ आर, ठीक है, वेयर जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो जी जो दिया ही है जी बाय नाइन, इसमें जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। एंड मुझे पूछा है द हाइट एट विच, मुझे पूछा है हाइट, हाइट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम जी बाय नाइन, सॉरी जी बाय नाइन ये होगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आर। मुझे हाइट इन टर्म्स ऑफ आर चाहिए। तो कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूं क्या करेंगे हम। तो बच्चों ये देखो, मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ जी दिया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट हाइट एच इज जी बाय नाइन। अब मुझे पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी जी एच बाय जी ई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच अपॉन ऑन अर्थ सर्फेस इज आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो जी बाय नाइन, जी एच की जगह मैंने जी बाय नाइन पुट किया, ओके ये जी बाय नाइन है, नाइन, ओके जी बाय नाइन है ये, तो जी बाय नाइन पुट किया अपॉन जी ई इज जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सर्फेस इज जी। अब ये आर ई स्क्वायर बाय आर प्लस एच स्क्वायर वैसे का वैसा लिखा। बच्चों यहां ध्यान दो, वॉट इज आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ, और वॉट इज कैपिटल आर, इट इज ऑल्सो रेडियस ऑफ अर्थ, एट हाइट एच इट विल बिकम आर रेडियस ऑफ अर्थ, इसमें एड करो आर प्लस हाइट एच। अब इसका स्क्वायर था, अब क्या किया मैंने टर्म्स को वो जी एच, ये जो है जी जी ये कैंसिल किया, तो मुझे मिला वन बाय नाइन आर ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, आर ई और आर सेम है। अब ये नाइन इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाएगा। बच्चों क्या होता है कभी कभी सॉल्व करते करते मिस्टेक से तुम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, गलती से होता है, याद रखो, ठीक है। तो ये नाइन इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, रीअरेंज करोगे टर्म्स को, और वेन यू सॉल्व दिस तो आर प्लस एच इज इक्वल टू आर ई इंटू थ्री, यहां पर तुम्हारा आर ई और आर सेम है, तो इधर जाके ये क्या होगा माइनस हो जाएगा और मुझे एच मिलेगा ट्वाइस आर। ओके लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। बच्चों हमारा अगला प्रॉब्लम है द डेंसिटी ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। अब देखो मैं जिस प्रॉब्लम की बात कर रहा था कि ऐसा हो सकता है डेंसिटी में फर्क पड़ सकता है, तो डेंसिटी ऑफ न्यू प्लैनेट, न्यू प्लैनेट का डेंसिटी इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू दैट ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ। नाउ इफ रेडियस ऑफ द अर्थ बी आर, ये आर चाहिए यहां पर, एम्परसेंट का सिंबल है आर, देन रेडियस ऑफ प्लैनेट वुड बी, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या होगा। बच्चों देखो इसमें ट्रिक क्या है, मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। याद रखो मास यानी होता है, मास यानी होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है, और वॉल्यूम 4/3 आर क्यूब। तो ये सारी वैल्यू पुट करेंगे इस क्वेश्चन में और इक्वेशन डिराइव करते, देखो मैं पहले इक्वेशन डिराइव करता हूं। बच्चों देखो सॉल्यूशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जी एम बाय आर स्क्वायर, मास यानी क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर क्यूब कैंसल, बचा क्या जी 4/3 पाई, जी 4/3 पाई रो इंटू आर। ओके तो यहां से मुझे क्या मिला, जी इज प्रोपोर्शनल टू रो इंटू आर मिल गया, वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। अब देखो ये इक्वेशन मिलने के बाद में जीपी बाय जी, व्हाट इज जीपी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। हमेशा जिसको निकालना है ऊपर रखो, टर्म रीअरेंज करने में आसानी होती है, तो जीपी यानी रोपी बाय रोपी इंटू आर रो, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट अपॉन डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। हमको दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो
the acceleration due to gravity at surface of planet is equal to on planet or earth पे acceleration due to gravity equal दिया हुआ है, तो दोनों को मैं cancel out कर सकता हूँ, equal है तो one लिख सकता हूँ। इसके बाद density of planet is 2 times the density of earth, double is twice the density of earth, तो 2 times put किया, density of earth cancel, मुझे r चाहिए, तो यहाँ पर क्या मिला, 1 is equal to 2 into rp by r, r इधर जाएगा multiplication में, 2 divide में, तो r by 2 answer आएगा मेरा, ओके ये इसका सॉल्यूशन है। लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम। देखो बच्चों अगला प्रॉब्लम है द ऑर्बिटल वेलोसिटी। बच्चों यहां पर टर्म आया ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर एन अर्थ सरफेस, फॉर एन अर्थ सैटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज 8 किलोमीटर पर सेकंड। ओके तो द ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर एन अर्थ सैटेलाइट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज 8 किलोमीटर पर सेकंड। अब इट इज रिवॉल्विंग नियर टू द अर्थ एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकंड। इफ द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज 4 times द रेडियस ऑफ द अर्थ इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी विल बिकम। तो यहां पर क्या पूछा है, पहले तो वो नियर टू अर्थ सर्फेस जा रहा था, तो नियर टू अर्थ सर्फेस है मतलब उसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर है। अब यहां देखो जब भी कोई सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो उसको सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वो जब रिवॉल्व करता है तो सेंट्रिपिटल फोर्स रिवॉल्यूशन के लिए लगने वाला सेंट्रिपिटल फोर्स विल प्रोवाइड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इससे आपको क्या मिलेगा, देखो देखो बच्चों तो क्या हो गया, सेंट्रिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। जो सपोज अर्थ के ऊपर ये मास एम रखा हुआ है और ये अर्थ का मास कैपिटल एम, दोनों में डिस्टेंस आर है और ये क्लोज टू द अर्थ सर्फेस रिवॉल्व हो रहा है, तो उस वक्त वेलोसिटी जो है वी विल बिकम अंडर रूट जेम अपॉन आर स्क्वायर। और बच्चों जिस वेलोसिटी पे सैटेलाइट गोल घूमता है ना उस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ओके तो देखते हैं, मुझे रिलेशन मिल गया, इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल के बताता हूं आपको मैं। तो बच्चों सॉल्यूशन में क्या है, मुझे क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑर्बिटल वेलोसिटी जो इज अंडर रूट जेम अपॉन आर मुझे मिल गया। देख लो यहां से अंडर रूट जेम अपॉन आर मुझे मिला। अब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट का रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस। अब यहां पर स्पेसिफिकली बोला है कि वो अर्थ के ही ऊपर गए, ठीक है, नई ऑर्बिट का रेडियस क्या हुआ, 4 times द रेडियस ऑफ अर्थ। तो क्या क्या हमने देखो, वी डैश नई वेलोसिटी बाय पुरानी वेलोसिटी इज इक्वल टू इनवर्स रिलेशन है रेडियस के साथ, रूट के अंदर वैल्यू पुट किया, पुरानी वेलोसिटी जो थी 8 किलोमीटर पर सेकंड में ही रखा इसको, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ आर है और नया रेडियस इज 4 times r, पुट किया वैल्यू सब्सिट्यूट किया अंडर रूट 1/4 यानी 2 और 8 को कैंसिल किया, मुझे मेरा 4 किलोमीटर पर सेकंड मेरी नई वेलोसिटी हो गई। ओके लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। बच्चों मेरा अगला प्रॉब्लम है द क्रिटिकल स्पीड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू अर्थ सर्फेस ऑफ अर्थ इज, क्रिटिकल स्पीड निकालनी है तो क्रिटिकल स्पीड वी सी, क्रिटिकल स्पीड का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट जी एम अपॉन आर, ठीक है, मैंने अभी बताया था व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, द वेलोसिटी बाय विच सैटेलाइट रिवॉल्व इन एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ, सर्कल में घूमने के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए, इलिप्टिकल में घूमेगा तो क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं होती। हाँ तो मुझे ये जी दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, अब मेरे पास तो जी एम का डाटा है तो कन्वर्ट दिस जी एम, मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो जीएम की जगह कैपिटल जीएम की जगह मैं क्या पुट करता हूं, अंडर रूट ऑफ देखो ये जी आर स्क्वायर बाय आर, यानी मुझे क्या मिला, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू ये आर और आर कैंसल अंडर रूट जी आर, ठीक है, तो वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या दिया 10 रेडियस 6.4 × 10⁶, यह हो गया अंडर रूट ऑफ 64 × 10⁶, कितना हो जाएगा 64 का रूट यानी 8 × 10³ और वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है द क्रिटिकल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ मास 500 kg, सैटेलाइट का मास दिया हुआ है 500 kg का सैटेलाइट है और 500 kg का सैटेलाइट है 20 मीटर पर सेकंड से मूव हो रहा है, तो व्हाट इज द क्रिटिकल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ मास 1000 kg मूविंग इन सेम ऑर्बिट,
सेम ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो क्रिटिकल वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी का फॉर्मूला अंडर रूट जी एम अपॉन कैपिटल आर है ना। तो अगर मैं इस जीएम को कन्वर्ट भी करता हूं, ठीक है, तो जीएम एन ए जी एम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आर स्क्वायर है, यहां पर जी आर पुट भी करोगे तो वीसी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, ये बचेगा तुम्हारे पास, है ना। सेम इक्वेशन, टर्म्स को बस जीएम की जगह जी आर स्क्वायर पुट किया। अब देखो यहां पर कैसा है, क्रिटिकल स्पीड मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड कर रहा है, कहीं मास ऑफ सैटेलाइट तो कहीं नहीं है, ये तो अर्थ का मास है, वो प्लैनेट का मास है। तो यहां से स्पेसिफिक हुआ कि स्पीड, भाई स्पीड तो डिपेंड नहीं करती उसके ऊपर, मास ऑफ प्लैनेट के ऊपर। तो यहां यूनिट देखो, ये 20 मीटर पर सेकंड दिया है और यहां किलोमीटर, देखो मीटर पर सेकंड है और ये किलोमीटर पर आवर है। तो देखो अब मुझे 20, ठीक है, 20 किलोमीटर मतलब मीटर मतलब 10^-3 किलोमीटर और सेकंड मतलब, ठीक है, सेकंड को आवर में करना पड़ेगा, ठीक है, तो 1/3600 आवर है, तो 36^72 यानी 72 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्जन करना है तुमको, बस क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, इस क्वेश्चन में देखो, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ दैट ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम क्या दिया है बच्चों, देखो, द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट ए एंड बी फ्रॉम द सन इज 10^12 एंड 10^11 मीटर। ए और बी का डिस्टेंस दिया है एंड पीरियडिक टाइम आर टी एंड टी बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जब भी डिस्टेंस और टाइम की बात हो तो केपलर्स के तीन लॉ होते हैं, केपलर्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इलिप्टिकल ऑर्बिट, टी इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, कॉन्स्टेंट एरियल वेलोसिटी, और टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। तो इफ देयर ऑर्बिट्स आर अज्यूम टू बी सर्कुलर, ओके, देन द रेशियो ऑफ देयर पीरियडिक टाइम इज, तो मुझे पता है कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू आर ए क्यूब। तो यहां पर क्या करो, वैल्यू दी हुई यहां पर और अपॉन टी बी, तो यहां पर तुम इक्वल टू लगा सकते हो, इज इक्वल टू आर बी का क्यूब। तो ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। लेट अस मूव टू अनदर प्रॉब्लम, हमारा अगला प्रॉब्लम क्या है, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू g^a m^b r^c, देन ए बी सी की वैल्यू। सिंपल डायमेंशनल एनालिसिस का प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर, यानी क्या हो गया, g^1/2 m^1/2 और r^-1/2। ये देखो, ठीक है, g का रूट, m का रूट और 1 बाय, ये देखो ये डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाएगा -1/2, तो a क्या होगा मेरा 1/2 -1/2, ये मेरा आंसर हो गया। लेट अस मूव टू अनदर क्वेश्चन, बच्चों एक क्वेश्चन देखो क्या दिया है, द अर्थ ई मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट राउंड द सन, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है राउंड द सन, तो विद द सन एस एट वन ऑफ द फोसाई, किसी एक फोसाई में यहां फोकस रख दिया, यहां पर फोकस पे उसके, और इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑफ मोशन विल बी एट द पॉइंट। तो मैक्सिमम स्पीड कब होगा देखते हैं। तो बच्चों देखो एक चीज श्योर है कि ये जो पोर्शन है यहां पर समर होगा, और अभी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, आप लोग देख रहे हो, ये समर सीजन है, अर्थ के पास से जा रहा है, तो अभी ये मई मंथ, हम ये मई महीना, ये महीना जो है ना, ये वाला मई, और ये मेरा दिसंबर जनवरी के आसपास का एरिया। तो बच्चों अगर एक सिंपल, वैसे मैं दो लॉजिक बता रहा हूं, देखो इक्वेशन से भी देखेंगे तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है ना, तो तुम्हारा रेडियस अगर कम है, ठीक है, याद रखो यहां पर जो चीज तुम्हारे काम की है, पहली बात मैं वो बाद में बताऊंगा उसको, पहले ये सुनो, अगर यहां ये स्लो गया प्लैनेट यहां पर, तो अर्थ जल जाएगी बेटा, मैं सीरियसली बताता हूं, यहां पर जल जाएगी। इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ा होगा समर बड़ा होगा, याद रखो, और यहां स्लो नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, क्योंकि ये जो एरिया है, सपोज यहां से यहां तक का एरिया, ये जो हैच किया मैंने, ये एरिया, ठीक है, तुमको पता है dA/dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एरियल वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, तो इट मूव्स इन सच अ वे दैट कि एरिया रिमेन्स कॉन्स्टेंट,
अब एरिया मतलब क्या हो गया, आर इंटू थीटा, है ना, तो आर डी थीटा बाय डी टी, आर डी थीटा बाय डी टी, ये मैं लिख सकता हूं एरियल वेलोसिटी के लिए, है ना, आर ओमेगा एरियल वेलोसिटी के लिए। अप्रोक्सीमेटली लिखा है मैंने, रेडियस कांस्टेंट अज्यूम किया यहां पर, बोला चाहे कि क्या लिखा है यहां पर, अराउंड द सन इट्स मैक्सिमम, यहां बोला है क्या इलिप्टिकल ऑर्बिट, हाँ इलिप्टिकल ऑर्बिट बोला है, सन के बारे में सर्कुलर ऑर्बिट नहीं बोला। फिर भी तो बच्चों देखो क्या है, मेरे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला है, और टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब जो मैं आपको यूज कर रहा था, तो मैं टाइम की जगह ये टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, तो यहां आर क्यूब पुट कर देता हूं, ठीक है। तो क्या मिला, स्पीड ऑफ दैट प्लैनेट अर्थ, तो डिस्टेंस देखो उसका डिस्टेंस, अगर वो सेम डिस्टेंस कवर करना है उसको, इतना और इतना, ठीक है, सपोज ये डिस्टेंस कवर करेगा और ये डिस्टेंस कवर करेगा, तो रेडियस क्या होगा, यहां पर कम है, रेडियस कम है तो इस पॉइंट पर सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ओके, और यहां रेडियस ज्यादा है, रेडियस ज्यादा है तो स्पीड उसकी ड्रॉप हो जाएगी, ओके, ये वाला ये याद रखो, यहां से ये उसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो हम आज के लिए यहां स्टॉप करते हैं, अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है, ओके।